360 का जो मेरा लकब मुझे दिया, ये मेरे एक फैन थे, उन्होंने दिए। ये था कि टेप बॉल में एक नाम बनाना है, कि मैंने मेहनत की है, मुझे एक ड्रीम था मेरा कि एक टेप बॉल में कराची को रिप्रेजेंट करूं और अपना नाम बनाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ में कामयाब हुआ। 19-20 छक्के मारे थे एक मैच में, 6 ओवर के मैच में। स्टार्ट मैंने हार्ड बॉल से ही की थी, मैं स्टार्ट में बड़ी मैंने हार्ड बॉल क्रिकेट खेली है, जिसको मैं लाइक करता हूँ, जिससे मिलना चाहता हूँ, मेरी एबी डिविलियर। मुझे पर्सनली तौर पर बाबर आजम पाकिस्तान की प्लेयरों में सबसे ज़्यादा लाइक है। सर 360 कैसे नाम पड़ा, थोड़ा सा जर्नी बताइए, कराची में कहाँ से आप, कैसे क्रिकेट का कैरियर शुरू हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा ताल्लुक लैंडी 89 से है, और मेरे 360 का जो मेरा लकब मुझे दिया, ये मेरे एक फ़ैन थे, उन्होंने दिए, और ये मेरी मेहनत थी। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही टेप बॉल क्रिकेट का बड़ा शौक़ था, ये ड्रीम था कि एक दिन बड़ा होकर एक अच्छा प्लेयर बने, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। आपको याद है आपने एक मैच में सबसे ज़्यादा छक्के कहाँ पे मारे थे? नहीं ये तो याद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बार मारे लेकिन याद नहीं एक मैच में। 20-25-30? हाँ 19-20 छक्के मारे थे एक मैच में, 6 ओवर के मैच में। अच्छा जी, याद है आपने अपना हाईएस्ट स्कोर कब कहाँ पे बनाया था? हाईएस्ट स्कोर भी नहीं याद, बहुत सारी इनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी इनिंग है। लास्ट टाइम यहीं पे KTPL का फाइनल हुआ था, जो लास्ट बॉल पे छक्का मारा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी लाइफ के एक बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत की इनिंग्स है, लेकिन वो मेरी लाइफ की सबसे अच्छी इनिंग थी। आप लोग किसी भी पाकिस्तानी टीम में खेलने वाले खिलाड़ी से कम फैन फॉलोइंग नहीं है, हम जहां आपके देखते हैं, जहां जाते हैं हजारों लाखों लोग जमा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, सच बात तो बताऊं, इतना नहीं था कि इतनी टेप बॉल क्रिकेट इतनी फेमस हो जाएगी, इतनी ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये था कि टेप बॉल में एक नाम बनाना है। इंसान आपको पता है दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इंसान हूँ, और मैंने मेहनत की है, मुझे एक ड्रीम था मेरा कि एक टेप बॉल में कराची को रिप्रेजेंट करूं और अपना नाम बनाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ में कामयाब हुआ। अपने बैट के बारे में बताएं, आपका बैट कौन सा होता है, कहां से बनवाते हैं, क्या खास चीज़ होती है कि हर बॉल बाउंड्री से बाहर? नहीं कुछ खास चीज़ नहीं है, बस वो JD स्पोर्ट्स का बैट यूज़ करता हूं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा, तो उन्हीं के बैट यूज़ करता हूं, वो अच्छे बैट तैयार करके देते हैं, बस उन्हीं से खेलता हूं। अच्छा सर ये बताइएगा कि वैसे कभी ख्याल आया कि हार्ड बॉल क्रिकेट की तरफ जाएं, या जैसे आपकी रिफ्लेक्सेस हैं जिस तरह तेज खेलते हैं आप, अब हम देख रहे हैं कि T10 हो रहा है, T20 के अंदर यही क्रिकेट खेली जा रही है? जी बिल्कुल, स्टार्ट मैंने हार्ड बॉल से ही की थी, मैं स्टार्ट में बड़ी मैंने हार्ड बॉल क्रिकेट खेली है, लेकिन अभी बाद में उस टाइम बड़ी मुश्किल थी टीम में जगह बनाना, लेकिन आजकल जिस तरीके से देखें PSL आ गया, जिस तरीके के इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, पाकिस्तान खेलना मेरे ख्याल में बहुत इजी हो गया, लेकिन अब हमारे पास वो एज नहीं है जो हम इतने आराम से पाकिस्तान खेले, जो यंग प्लेयर्स हैं आजकल के 16-17 खेलने वाले, बस उनको यही चाहिए मेहनत करें, वो पाकिस्तान को आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है, आप कौन से जो आपको मजा आता है खेलते हुए देख के, पाकिस्तान टीम का हो या दुनिया में कोई हो? मेरा फेवरेट तो शुरू से ही मैं जैसे लाइक करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो एबी डिविलियर है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी अगर आप पाकिस्तान की बात की जाए तो बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, मेरे ख्याल में बाबर आजम ने इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट को बचा के रखा हुआ है, तो उनपे भी लोग बातें करते हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते, हर प्लेयर की अपनी पसंद होती है, हर बंदे की अपनी पसंद होती है, मुझे पर्सनली तौर पर बाबर आजम पाकिस्तान की प्लेयरों में सबसे ज़्यादा लाइक है। लोग तनकीद करते हैं उन पे कि वो थोड़ा स्लो खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट कम है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप ऐसा क्रिकेट हर प्लेयर के यार देखें अपने स्टाइल होते हैं खेलने का, शायद अफरीदी था उसे रोकना नहीं आता, उसका काम था छक्के मारना, अब फास्ट बॉलर है उसका काम होता है फास्ट बॉलिंग करना, ठीक है उसके ये काम नहीं होता कि स्पिन बॉलिंग करना, बाबर आजम का स्टाइल ही है ये खेलने का, थोड़ा मैच को लेके चलते हैं, बॉल टू बॉल खेलते हैं, तो हर प्लेयर का अपने अंदाज होते हैं, बाबर आजम का वही अंदाज और उसमें वो अच्छे लगते हैं, अच्छा खेलते हैं। प्लेयर आपको अच्छा लगता है जो खेलता है वो मजा आता है देखते हैं? तो मौजूदा टाइम में तो आप देखें मेरे ख्याल में वर्ल्ड में विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर नहीं, वो जिस तरीके के प्लेयर हैं मेरे ख्याल में उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, अगर वर्ल्ड में आप देखा जाए तो विराट कोहली से बड़ा प्लेयर मेरे ख्याल में कोई भी नहीं। अच्छा आपकी ख्वाहिश है किसी ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर बॉलर को खेले और उसको फेस करें, और जैसे आप बैटिंग करते हो करें जो खेले खेले तो बहुत सारे बॉलरों को हूँ टेप बॉल में हार्ड बॉल के बॉलर को, लेकिन जिससे मुझे पर्सनली तौर पर जिसको मैं लाइक करता हूँ जिससे मिलना चाहता हूँ मेरी एबी डिविलियर्स उनसे मुझे वो बहुत ख्वाहिश है कि आपकी कहीं पे भी जी इंशाल्लाह होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द।